चार पॉइंट से कंपेयर करते हैं कि मेडिकल वर्सेस नॉन मेडिकल कौन सी स्ट्रीम बेस्ट है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें नॉन मेडिकल के लिए, तो नॉन मेडिकल के लिए आपको क्लास 11th के अंदर PCM पढ़ना होता है, और वहीं पर ही मेडिकल के लिए आपको PCB पढ़ना होता है। और यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है मेडिकल को, क्योंकि यहाँ पे जो PCB होती है वो आसान होती है एज कम्पेयर टू नॉन मेडिकल। फिर सेकंड पॉइंट आता है आपकी ग्रेजुएशन डिग्री जो है वो कितने टाइम की होती है। तो यहाँ पर मेडिकल की जो ग्रेजुएशन डिग्री है वो 5 साल की होती है, और वहीं पर ही जो नॉन मेडिकल है इसकी होती है 4 साल की। तो एक पॉइंट इसको मिलता है। फिर इसके बाद में बात करते हैं थर्ड जॉब की। तो जॉब जो है नॉन मेडिकल के अंदर आपको जो बहुत ही आसानी से मिल जाता है, 4 साल आप बीटेक करेंगे तो आपको आसानी से कॉलेज में प्लेसमेंट हो जाता है। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें मेडिकल की, तो मेडिकल के लिए आपको सबसे पहले 5 साल की MBBS करनी होती है, और फिर उसके बाद में आपको एक स्पेशलाइजेशन भी चाहिए होता है, तो उसके लिए आपको कम से कम 7 से 8 साल का टाइम लग जाता है। तो एक पॉइंट जाता है यहाँ पर नॉन मेडिकल को। और अब जो लास्ट आता है फोर्थ पॉइंट जो कि है हमारा सैलरी का। तो सैलरी जो इंजीनियर्स की होती है वो होती है 50-60 लाख डॉक्टर की। तो एक तरीके से भगवान का काम करते हो।